फेयर एंड लवली क्रीम का बेस्ट एवर फॉर्मूला ट्रीटमेंट जैसी निखार के लिए। टूट जाए दुनिया का हर दर, सांस छूटे पर छूटे ना वो घर, बेटी का काशी और काबा पी हर। माँ की गोली, पिता का साया, बाबुल कांगन सरमाया, रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया, छोड़ चली इतनी रात को कहां से आ रहा है? वो मैं दोस्तों के साथ नदी तक गया था। बताकर नहीं जा सकता? आधी रात तक माँ तेरे लिए खाना लेकर बैठी थी। अभी अम्मा भी ना। दीदी मैंने अम्मा से कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार ना किया करें। मतलब तू अपनी मर्जी से ही जिएगा? हाँ, कोई तुझसे कुछ पूछे नहीं? इस घर के हालात देख रहा है ना तू? तेरी आवारागर्दी किसी काम नहीं आने वाली। किसने कहा आपसे कि मैं आवारागर्दी करता हूँ? और दीदी आप भी ना, विष्णु भैया की बातों में मत आया करो, वो तो हमेशा से ही मेरे खिलाफ है। हाँ, क्यों नहीं, तेरे खिलाफ क्यों नहीं होंगे? तू उनका भाई नहीं है, दुश्मन है ना, रास्ते से उठाकर लेके आए थे तुम्हें। बस कुछ ऐसे समझ लो। तेरी ये बकवास बंद कर, अपने दिमाग से ये जहर निकाल दे मनीष। राम जैसे भाई का नाम खराब कर रहा है तू। और उनके लिए हम रावण है, रावण। और दीदी राम और रावण कभी भाई नहीं हो सकते। पागल है तू, पता नहीं क्यों ऐसी बकवास करता रहता है। अरे मैंने अपनी आंखों से विष्णु भैया को तेरे लिए आंसू बहाते देखा है। याद नहीं जब तू छोटा सा था, नदी में डूबकर मर जाता अगर वो अपनी जान पर खेल के तुझे बताते नहीं। आज जो जिंदगी जी रहा है उन्हीं की देन है। तो क्या करूं, अपनी गर्दन काट के उनके कदमों में रख दूं क्या? तुझसे तो बहस करना बकवास है। मेरे एक सवाल का जवाब दे, रिजल्ट का क्या हुआ, पास हुआ या नहीं? वो मुझे मालूम नहीं। अच्छा, रिजल्ट को आए पूरा एक दिन हो गया और तुझे मालूम नहीं? और दीदी मालूम करके होगा भी क्या? और अब मैंने सोच लिया है कि इस पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं फायदा, कुछ नहीं होने वाला पढ़ाई लिखाई करने से। अगर तरक्की करनी है तो उसके लिए सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। हाँ, सिर्फ पैसा चाहिए। और पैसा तो यूं यहाँ पेड़ पे उगता है ना, जब जी चाहे तोड़ लिया। अरे पैसे कमाने के लिए भी पढ़ना लिखना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, यूं ही पैसे नहीं आ जाते। दीदी पढ़ाई लिखाई से किसका भला हुआ आज तक? अब आप विष्णु भैया को ही देख लो, वो भी तो इंटर पास है ना, फिर भी नौकरी कर रहे हैं ना, आखिर मिलता ही क्या है इसमें? अच्छा, कुछ नहीं मिलता। तेरा तो बहुत दिमाग चलता है ना, बोल तू क्या करेगा, तूने क्या सोचा है? मैं बिजनेस करूंगा, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। अच्छा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा? लेकिन मैंने तो सोचा था कि बिजनेस करने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी होता है, खुद के पैसे होने जरूरी होते हैं, दोनों चीजें हैं तेरे पास। बिजनेस करेगा, जा अंदर जाकर मुफ्त की रोटी तोड़ और सो जा, यही तो काम है तेरे। आंखें किसको दिखा रहा है नालायक, जा अंदर जा। किराए पे कमरा मिलेगा? अम्मा, मैं जानता हूँ कि आपको मुझ में कोई बुराई नहीं नजर आती, लेकिन अगर मेरा छोटा भाई मुझ पर उंगली उठाता है, मुझ पर लांछन लगाता है, तो उसकी बुराई में मेरी बुराई हुई ना? मनीष की बुराई में तेरी बुराई कैसे हुई? देखो अम्मा, कुछ भी बोलो, जिम्मेदारी तो मेरी हुई ना, और फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे कि अगर बाप का साया सर से उठ गया तो
बड़े भाई ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। लोगों का मुंह कौन बंद कर सकता है, वो तो कुछ भी कहेंगे। ये तो मैं जानती हूँ ना कि तूने इस घर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए क्या किया है। अम्मा, लेकिन मेरी आत्मा मुझे अंदर से धिक्कारती है, कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैं सौतेला हूँ इसीलिए। चुप कर जा, तेरी जबान पे ये शब्द आया कैसे? किसने कहा कि तू सौतेला है? सौतेला तो वो है जिसने मेरी कोख से जन्म दिया है। नहीं अम्मा, ये ख्याल तेरे दिमाग में आया कैसे? जिस हालात में तेरे पिताजी हम सबको छोड़ के गए थे, अगर उस वक्त तू नहीं होता तो ये घर, हम सब बिखर जाते। और अम्मा, आपने जो ममता की छाव हमें दी है, उस छाव के तले मैं जिंदगी का हर दुख भूल जाता हूँ। कसम खास से मेरी कि मनीष की कही किसी भी बात को अपने दिल से नहीं लगाएगा। अम्मा, अपनों का कुछ भी बुरा कहा हुआ कभी चुपता है क्या? बड़ा भाई है तू तो अपना दिल भी बड़ा रख बेटा। आज एक बात बताऊं तुझे, मनीष के बिना तो मैं रह सकती हूँ लेकिन तेरे बिना नहीं। अच्छा अम्मा, ये सब छोड़, मुझे एक बात बता, नंदी ने तुझे कुछ बताया? किस बारे में? यही कि समीर अपनी दोनों बहनों के साथ यहाँ भारत आ रहा है। कब? मुझे डेट तो नहीं पता, लेकिन जब से मैंने ये खबर सुनी है मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। अगर उनके आते हुए साहूकार ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? लेकिन तूने तो उसे कुछ पैसे दिए थे ना? देने को कहा था, लेकिन उस वक्त पैसों का इंतजाम कहाँ हुआ था कुछ समझ में नहीं आ रहा। सचमुच अभी तो लगता है कि जैसे ये घर गिरवी रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मजबूरी थी हमारी, हमारे पास रास्ता भी क्या था? तू फिक्र मत कर, इस बार मैं जाके साहूकार से बात करती हूँ। ना ना अम्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अरे आपका उसके मुंह लगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं ही जाके उसके हाथ पांव जोड़ता हूँ और थोड़ी सी और मोहलत मांगता हूँ। सागर, तुम बड़े अजीब इंसान हो यार। इस तरह दिन रात पढ़ते रहोगे तो तुम्हारी आंख पे मोटा चश्मा लग जाएगा। तो क्या आप इसी तरह से पढ़ाई नहीं करते? मेरी बात छोड़, मुझे किसी भी चीज से डरने लगता। और पढ़ाई तो पढ़ाई तुम्हारे लिए हुआ होगी, मेरे लिए नहीं। तो फिर आपने घर वालों को बताया क्यों नहीं कि आपके रिजल्ट्स का क्या हुआ? चुप कर, छोटा है छोटा बनकर रहना सीख, ज्यादा मेरा दादा बनने की कोशिश मत करना। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप पास भी हुए हैं या पिछले साल की तरह फेल। अरे जब तुझे पता है तो फिर पूछ क्यों रहा है? हाँ अच्छा चल, मान ले कि मैं फेल हो गया तो क्या फेल होने वाले इंसान नहीं होते? वो क्या राक्षस और जानवर होते हैं? आपको शायद पता नहीं है, हमारे खानदान में आप एक ऐसे लौते इंसान है जो हर साल फेल होते रहते हैं। बड़ाया खानदान खानदान करने वाला, खानदान का नाम मैंने रोशन कर दिया और इस बात पर सबको खुश होना चाहिए। जाकर बता दे सबको कि मैं इस बार भी फेल हो गया। चल जा। क्या? अरे जब मैं परीक्षा में बैठा ही नहीं तो फिर मैं पास कहाँ से होऊंगा? और फिर ये सब पढ़ाई वढ़ाई ना, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। पढ़ाई लिखाई से कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बिजनेस करूंगा देखना। एक दिन मैं पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा सबको। क्या कर रही हैं आप? छोड़ो छोड़ो। अरे जब तबीयत ठीक नहीं तो ये सब करने की क्या जरूरत है? ये बेटा मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? देखो इस घर में बहुत लोग हैं, सबके हाथ पांव सलामत हैं, वो कर लेंगे अपना काम। बस अच्छा अम्मा छोड़ छोड़, तू आके बैठ। तबीयत ठीक नहीं तो ये सब करने की क्या जरूरत है? आ जा संभल के, संभल के आ जा, संभल के, संभल के आ जा, बैठ बैठ। ठीक है,
पता नहीं क्या, थोड़ी देर भी काम करती हूँ तो चक्कर आने लगता है आजकल। इसलिए तो कहता हूँ कि इस उम्र में आराम किया कीजिए, ये काम की उम्र नहीं है। अरे तुम लोग के कपड़े बहुत दिनों से गंदे पड़े थे, इसीलिए शशि जी तो बहुत संभाल लेती थी। अम्मा अब शशि से किसी तरह की उम्मीद मत रखना, वो यहाँ होती तो कौन से तुम्हारे हाथ पांव दबाती। हाथ पर नहीं दबवाने मुझे, लेकिन बेटा घर पे थी तो एक रोटी का पानी का आसरा तो था ना। औरत के घर पे रहने पे बहुत बरकत होती है। हमारे साथ तो उल्टा ही हुआ अम्मा, जब से शशि इस घर में आई है इस घर का सुख चैन मिट गया है। ऐसे नहीं कहते, अपने दुर्भाग्य को किसी एक के सिर पे नहीं मड़ा करते। अम्मा एक बात बताऊं, ऐसा कौन सा पाप, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया अम्मा जो हमारी हैसियत बिगड़ गई। अब तो ऐसा लगता है जैसे हाथ में अगर चार पैसे ना हो तो चारों तरफ अंधेरा लगता है। ना बेटा, से हिम्मत मत हार, हमारे भी दिन फिरेंगे जरूर। और फिर शायद इसीलिए तो भगवान ने मुझे जिंदा रखा है। अम्मा करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तूने इतना कह दिया बेटा, यही बहुत है मेरे लिए। तुम लोग की खुशी में ही तो मेरे चारों धाम की खुशी। एक बात बताऊं अम्मा, रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है, शादी के बाद ये नंदिनी का पहला रक्षाबंधन है, तू बताना नंदिनी को क्या दे। वो तो वैसे ही बेचारी गऊ है, जो भी प्यार से दे देगा अपने सीने से लगा देगी। लेकिन एक बात बताओ, वो है कहाँ। सुबह मंदिर के लिए गई थी, अभी तक पता नहीं आई नहीं। ठीक है मैं देखता हूँ वो कहाँ है, तू चल अंदर आराम कर। आज आराम से, आराम से, आराम से, आज। अरे नंदिनी, ये तुम कहां से प्रकट हो गई? अरे हम तो सुन रहे थे कि तुम